अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। रोज़ की तरह नया जोक लेके आया हूँ और आज का जोक अपडेट करूँगा, यह ओमान का है, तो मस्कत ओमान, ठीक है। तो इसके अंदर रिटर्न और फ्रेश दोनों बंदे अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न फ्रेश का मतलब बहुत से नहीं समझते हैं कि यार फ्रेश क्या होता है, यानी मैं तो कारीगर हूँ लेकिन मुझे फ्रेश कहा जाता है। तो रिटर्न फ्रेश का मतलब ये होता है ना कि जैसा गल्फ़ के बाहर जो काम, इंडिया के बाहर जो कोई भी कंट्री में जाके काम करके आया हुआ है, फिर इंडिया के अंदर भी मौजूद है और दोबारा वो जॉब सर्च कर रहा है बाहर जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिटर्न, ठीक है। और फ्रेश बोले तो खाली इंडिया के अंदर ही काम किया हुआ बंदा, बाहर वो नहीं गया हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रेश, ठीक है। तो अगर आप चाहे रिटर्न हैं और चाहे फ्रेश हैं, और पासपोर्ट आपका चाहे ACR है और चाहे ACNR है, दोनों हो, अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। तो इसी पर बात करेंगे कि इसमें जॉब क्या क्या है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, सैलरी क्या होगा और कितने दिन का प्रोसेस है, मेडिकल कैसे होगा, पेमेंट क्या लगेगा, कब पेमेंट जमा करना है और कहाँ आके मिलना है, और मतलब ये सारा डिटेल, और किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, जो सारा डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर ही देने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जब भी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। बहुत से बंदे क्या करते हैं, टाइटल नाम देखते हैं, नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर मैसेज में लिखते हैं कि भाई कोई जॉब है क्या। तो अब उनको जॉब है क्या बताने के लिए मतलब बहुत डिटेल में उनको बताना पड़ेगा, तब उनके समझ में आता है और उनको पता है, उन्होंने देखा है वीडियो, अब पूरा वीडियो वॉच नहीं किया है, जब भी तो उनको नंबर मिला है। तो उनको जब तक समझ में आता है सारा डिटेल जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो जब तक उनके समझ में आता है हफ्ता दो हफ्ते में, क्योंकि टाइम पे रिप्लाई भी नहीं मिलता है, बहुत सारा ऐसा मैसेज आता रहता है, तो जब तक उनके समझ में आएगा डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, फिर वैकेंसी ख़त्म हो जाता है। तो इसके वजह से बोलता हूँ कि भाई जब भी अगर आपको यानी जॉब की नीड है, बाहर जाना चाह रहे हो, आप इंडिया में मतलब ऐसा कुछ काम नहीं कर पा रहे हो और तो आप बाहर जाना चाह रहे हो, तो कभी वैकेंसी देखो तो पूरा वीडियो देख लो। वीडियो जब पूरा वॉच करोगे, जब भी आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, वही हिसाब से जाके डॉक्यूमेंट के साथ अगर कॉन्टेक्ट करते हो तो आपको मतलब सिलेक्शन होना यानी 100% उम्मीद रहता है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट के साथ में आता है मैसेज, वही टाइम पर कंपनी को चले जाता है। और जब आप वही चीज़ फिर आके व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे पूछते हो, तो पूछते पूछते रह जाते हो, वही व्हाट्सएप खेलते रह जाते हो जब तक वैकेंसी खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह से बोलता हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। ओमान के अंदर मतलब एक शॉप है, मतलब फ्लोर जो फूल जो माली जिसको बोलते हैं ना अपने इंडिया के अंदर, जो फूल के दुकान पर होते हैं, तो कोई गिफ्ट के लिए शादी में या कोई मतलब गिफ्ट के लिए जो फूल का ऐसा मतलब फ्लोर्स जिसको बोलते हैं, उसको फूल मतलब गमला बना के लेके जाते हैं गिफ्ट उफ्ट करने के लिए, उस मतलब शॉप पे उसको रहना है और उसको कारीगरी भी मालूम होना चाहिए। जो बहुत से क्या होते हैं ना कि मतलब जैसा इनका पर्सनली जो काम है वो माली लोग का है, तो मतलब बहुत से बंदे ऐसे भी रहते हैं कि मतलब वो माली नहीं होते हैं, फिर भी वो ये काम में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारा काम होता है ऐसा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब माली ही हो, कि यही का मतलब आपका काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको काम मालूम होना चाहिए कि फूल के शॉप पे आपको यानी रहना है, और फूल का जो गमला वमला बनता है, जो भी मतलब सऊदी लोग अरबी लोग आएगा शादी के लिए और या कोई गिफ्ट के लिए, और जैसा ऐसा डिज़ाइन बताएगा उसको ऐसा बना के उसको देना रहेगा, ठीक है। तो ये काम अगर आपको आता है तो इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर फ्रेश रिटर्न दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी इसमें है 250 ओमानी रियाल से लेके 300 ओमानी रियाल तक है। यानी आपका जब डॉक्यूमेंट आएगा तो आपके जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा। तो यानी मिनिमम $250 से और 300 रियाल तक। ओमान का रियाल बड़ा होता है, आप लोग गूगल भी करके देख सकते हो कि एक ओमानी रियाल का कितना बनता है। ऐसा मान के चलो ये टाइम पे शायद एक रियाल का 20 बन रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब इसके अंदर अगर आप रिटर्न हैं, आपके पास में गल्फ़ का भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा अरबी भी मालूम है, तो हो सकता है आपका 300 से भी ज़्यादा सैलरी लग जाए। यानी आपका जब डॉक्यूमेंट जाएगा कंपनी को, तो वही टाइम पे कंपनी बताएगा कि इस बंदे का मैं इतना सैलरी दे सकता हूँ, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका सैलरी इतना लगा है। अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो आप मतलब मेडिकल करा लीजिए, और मेडिकल के लिए आपको कहीं आना जाना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मेडिकल है। आप जहाँ भी जो भी सिटी में हैं आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन गम का अवेलेबल है कि नहीं है, सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है। और नहीं अगर आपको पता होगा कि गम का कैसे निकालते हैं, अपॉइंटमेंट कैसा लेते हैं मेडिकल का, तो हमारा जो स्टाफ है वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, अगर आप इसमें जाना रहेगा तो सैलरी वही 250 से 300 रियाल तक रहेगा, और ड्यूटी इसके अंदर 10 घंटे का है, 1 घंटा लंच निकाल के 9 घंटा तो ड्यूटी कर रहे ही है,
प्लस वीकली यानी हफ्ते के अंदर आपको एक छुट्टी मिलेगा। महीने में यार 30 दिन का महीना होता है तो 4 छुट्टी आपको मिलेगा, 26 दिन ड्यूटी करना है। और छुट्टी वाले दिन अगर आप जाते हैं शॉप पे यानी ड्यूटी जाते हैं तो आपका मतलब डबल सैलरी आएगा, ठीक है। तो अगर आप 4 छुट्टी होता है महीने में, 1-8 छुट्टी भी कर लिए और 10 घंटे के बाद में 1-2 घंटा ओवर टाइम कभी कभी किसी किसी दिन लगा लिए तो अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। और इसके अंदर शॉप पे जो है ना हदिया भी मिलता है, यानी जैसा कोई भी अच्छा कोई सऊदी आता है आप वो आपको डिज़ाइन दिखाया और वो हिसाब से आप उसको जो है ना मतलब वो फूल मतलब फूल का जो वो होता है वो बना के दिए और थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन करके दे दिए तो वो लोग हदिया भी देता है यानी गिफ्ट भी देता है। जो रेट इसका होगा वो तो आपको देगा ही देगा, प्लस आपको मतलब वो भी देता है मतलब क्या बोलते हैं उसको हदिया, ठीक है। तो इसमें ये भी सारा तो सैलरी इसके अच्छा इसके अंदर अच्छा खासा उठने वाला है। और इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट आपका अगर मार्कशीट लगा के बनाया हो जब भी अप्लाई कर सकते हैं, और मार्कशीट लगा है जब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो और वैक्सीन का रिपोर्ट और एक CV अच्छे से बनाना है। और बहुत से बोलते हैं यार कि अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ से रेडी करूँ, मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज देना उनको आसान होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन फिर नहीं होता है और वेट करते रहते हैं यार मेरा कब तक सिलेक्शन होगा कब तक होगा। तो लोग से कहना चाह रहा हूँ कि देखो अपना पासपोर्ट लो, फ़ोटो वैक्सीन रिपोर्ट निकलवा लो, कोई कंप्यूटर की दुकान पर जाओ जहाँ फ़ोटो कापी भी करते हैं उनके पास जाके उनको बोलो कि भाई मेरा जो पासपोर्ट का फर्स्ट लास्ट पेज है ये स्कैन कर दो, वैक्सीन रिपोर्ट और फ़ोटो ये स्कैन कर दो और मेरे फ़ोन के अंदर डाल दो, अपने फ़ोन में डाला लो। उसके बाद मैं उसी को बोल दो कि भाई एक CV मेरे को बना दो, मैं ये काम करता हूँ उसके लिए मुझे बाहर जाना है और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो सारा डिटेल आप बता दो, पूछेगा वो CV भी बना देगा अच्छे से, रिज्यूम जो बाई डाटा बोलते हैं वो अपने फ़ोन के अंदर डाल लो। उसके बाद में आपको जो है ना मतलब एक वीडियो शूट करना है। वीडियो मतलब जैसा बहुत से होता है ना कि जैसा अभी ये टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं या उनके पास काम नहीं है, तो आप कोई भी शॉप फूल के शॉप पे जाओ, ठीक है। और उसके बाद में किसी को एक साथ में लेके जाओ और शॉप वाले को बोलो, किसका भी शॉप उसको बोल दो कि भाई मेरे को बाहर जाना है मेरे को वीडियो शूट करना है। तो आप जो है ना मतलब दुकान पे शॉप पे रह जाओ और जो बंदा वीडियो शूट करेगा उसको पहले ही सारा चीज़ बता के रखो और उसके बाद में वो थोड़ा शॉप से बाहर जाके और कैमरा अपना स्टार्ट करें और जो शॉप पे आप खड़े हो जहाँ पे बनाओगे आप मतलब फुल डिज़ाइन करके दिखाओगे वहाँ पे ऐसा मतलब पहले वीडियो दूर से खींच के वो आए अपने शॉप पे पूरा फूल उल लगा रहना चाहिए। और उसके बाद में मतलब बहुत से होते हैं ना कि ठेले उले पे भी रखते हैं, वैसी जगह पे भी रखते हैं, कोई शॉप पे भी रखता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, फूल उल वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब वीडियो बना के आए आपके पास में, फिर आपका नाम पूछे तो आप अपना नाम बताओ, मेरा नाम ये है, मेरा उम्र इतना है, मैं इंडिया में सिटी से रहने वाला हूँ और मेरा ये पढ़ाई लिखाई है जो भी आप पढ़े लिखे हो और मैं ये काम इतने साल से कर रहा हूँ, 5 साल 6 साल जो भी है, और मैं अभी एक दो डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, फिर आप अपना फूल उल लो और थोड़ा अच्छे से 1-8 डिज़ाइन बनाओ उसके अंदर सब पूरा आना चाहिए। ऐसा एक वीडियो अच्छे से शूट कर लो और डॉक्यूमेंट रेडी करके अपने फ़ोन के अंदर सरो। जब पूरा डॉक्यूमेंट वीडियो के साथ में आपका रेडी हो जाए आपके फ़ोन में हो जाए, फिर यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप करना रहेगा। आपको व्हाट्सअप करो कि भाई मैंने यहाँ पे ये सर वीडियो देखा था और इस जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आपका डॉक्यूमेंट आएगा तो आपका डॉक्यूमेंट कंपनी को फॉरवर्ड करने से पहले जो खर्चा आएगा वो आपको नॉर्मली जो भी होगा चार्ज वो बता दिया जाएगा कि इसमें जाने के लिए आपका ये खर्चा जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्री होते हैं तो आपको पेमेंट कोई एडवांस नहीं लिया जाएगा, आपका कंपनी में फिर डॉक्यूमेंट जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद बताया जाएगा कि आपका 250 ही सैलरी लगाया है या 300 लगाया है या 350 लगाया है, जो भी सैलरी कंपनी लगाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो वीडियो अच्छे से बनाते हो मतलब ड्रेसिंग वेसिंग भी अच्छे से कर लो, सेविंग भी करके मतलब थोड़ा साफ़ सुथरा रहो, क्योंकि जो फूल का शॉप होता है फ्लोर्स का जो शॉप होता है वहाँ पे सब VIP लोग जाते हैं, ऐसे नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, तो थोड़ा मतलब अच्छे से रहो कि दिखने में भी सही लगो, ठीक है। तो वो हिसाब से अच्छे से बना लो, बनाने के बाद जब डॉक्यूमेंट आएगा तो वो हिसाब से कंपनी को जाएगा, तो सैलरी जो भी आपका रहेगा वो बता दिया जाएगा। आप अगर एग्री होते हैं तो उसके बाद में आगे मेडिकल के लिए बताया जाएगा, मेडिकल कहाँ करना है, कहाँ जमा करना है, किसे क्या करना है, वो मतलब सब सिलेक्शन होने के बाद में आपको सारा डिटेल बता दीजिएगा। यानी आपका कोई भी पैसा 1 रुपया नहीं जाना है, ना आपको कोई पैसे जमा करना है। अब पे ये सारा प्रोसेस होने के बाद में वीज़ा आएगा, वीज़ा कॉपी आपको दिया जाएगा, आप चेक करो, उसके बाद पेमेंट करोगे, टिकट हो जाएगा, ये है सारा प्रोसेस। तो अगर आपको इसमें जाना है तो इसे बोलो हिसाब से जाके डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, उसके बाद में फिर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। कोई दूसरा जॉब सर्च करो तो पुराना वीडियो भी चैनल पे जाके देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ और डेली अपडेट करता हूँ। चैनल अगर बगैर सब्सक्राइब करके देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नया जॉब अपडेट पाने के लिए। और चैनल का जो कम्युनिटी वाला पेज है वो आप लोग विजिट किया करिए, क्योंकि वहाँ पे भी वैकेंसी मैंने अपडेट करता रहता हूँ और इसका भी डिमांड लेटर मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया हूँ। और अगर आप चैनल पे सोच रहे हो कि बड़ा बड़ा वीडियो होता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है और मैं इतना लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकता हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे फॉलो कर लो,
इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे डिस्प्ले में यूज़र आईडी दे दे रहा हूँ, वहाँ भी फॉलो सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी आपको डेली शॉर्ट वीडियो में पूरा वैकेंसी मैंने डिटेल में बताता रहता हूँ, तो 3-4 वीडियो आपको वैकेंसी वहाँ से भी मिलता रहेगा अगर आप कोई जॉब सर्च करें हो, क्योंकि सारा डिटेल मैंने बहुत सारा जॉब अपडेट करता हूँ जो गल्फ़ में जैसे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान और मस्कत, ईरान, इराक, लीबिया, तुर्की और रसिया, मालदीव, मलेशिया, यहाँ सारा काम करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो भी काम होता है सारा वर्क परमिट वीजा होता है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं लिया जाता है, ठीक है। पहले काम करके दिखाते हैं, देते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करो, हर चीज़ आपको सही लगता है, पेमेंट होता है, ठीक, फ्लाइट हो जाता है। अगर आप लोग कोई और मतलब फीडबैक देखना चाह रहे हो तो जो मेरे एजेंसी से भी बंदे जाते हैं तो मैं कुछ अभी वीडियो भी अपलोड करना डालना शुरू कर देता हूँ कि आप लोग भी उनसे देखिए कि वो बंदे किस काम में कितने दिन में अप्लाई किए थे, क्या काम में गए थे और कितने दिन में काम हो गया उनका, तो फीडबैक वीडियो भी मैंने डाला हुआ हूँ, तो प्ले लिस्ट भी जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कुछ पूछना तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी का वीडियो कैसा लगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।